पास हो तो अकारण नहीं हो सकते, तुम्हारे जीवन दर्शन में कहीं भूल होगी। तुम्हारा जीवन दर्शन उदासी का होगा, तुम्हें चाहे सचेतन रूप से पता हो या ना हो, मगर तुम्हारी जीवन को जीने की शैली स्वस्थ नहीं होगी, अस्वस्थ होगी। तुम जीवन को ऐसे ढो रहे होगे जैसे कोई बोझ को ढोता है। मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था, भरी दोपहर पहाड़ की ऊंची चढ़ाई, सीधी चढ़ाई, पसीना पसीना, थका मांदा, हांफता हुआ, अपने छोटे से बिस्तर को कंधे पर ढोता हुआ चढ़ रहा है। उसके सामने ही एक छोटी सी लड़की, पहाड़ी लड़की, अपने भाई को कंधे पर बिठाए हुए चढ़ रही, वह भी लथपथ है पसीने से, वह भी हांफ रही। सन्यासी सिर्फ सहानुभूति में उससे बोला, बेटी तेरे ऊपर बड़ा बोझ होगा। उस लड़की ने, उस पहाड़ी लड़की ने, उस भोली लड़की ने आंख उठा के सन्यासी की तरफ देखा और कहा, स्वामी जी बोझ आप लिए, ये मेरा छोटा भाई है। बोझ में और छोटे भाई में कुछ फर्क होता है, तराजू पर तो नहीं होगा, तराजू को क्या पता कि कौन छोटा भाई है और कौन बिस्तर है। तराजू पे तो यह भी हो सकता है कि छोटा भाई ही ज्यादा वजन रहा हो। साधु का बंडल था, बहुत वजनी हो भी नहीं सकता, पहाड़ी बच्चा था, वजनी होगा। तराजू तो सियात कहे कि बच्चे में ज्यादा वजन है, तराजू के अपने ढंग होते, मगर हृदय के तराजू का तर्क और है। उस लड़की ने जो बात कही, सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनका नाम था भवानी दयाल। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ऐसी चोट पड़ी कि इस छोटी सी बात को मैं अब तक न देख पाया। इस भोली भाली लड़की ने कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी। छोटे भाई में बोझ नहीं होता, जहां प्रेम है वहां जीवन निर्भर होता है। तुम जरूर अप्रेम के ढंग से जी रहे हो, तुम्हारा जीवन दर्शन भ्रांत है, इसलिए तुम उदास हो। हालांकि तुमने जब प्रश्न पूछा होगा तो सोचा होगा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर दूंगा जिनसे सांत्वना मिलेगी, कि मैं कहूंगा कि नहीं, पिछले जन्मों में कुछ भूल चूक हो गई, उसका फल तो पाना पड़ेगा, अब निपटा ही लो, किसी तरह बोझ है ढो ही लो, खींच ही लो। राहतें मिलती हैं ऐसी बातों से, क्योंकि अब पिछले जन्म का क्या कर किया जा सकता, जो हुआ सो हुआ, किसी तरह बोझ है ढो लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पिछले जन्म की भूल है जिसका तुम फल अब भोग रहे हो, अभी तुम कहीं भूल कर रहे हो, अभी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में कहीं भूल है। पिछले जन्मों पर टाल के हमने खूब तरकीबें निकाल ली, असल में पिछले जन्म पर टाल दो तो फिर करने को कुछ बचता नहीं, फिर तुम जैसे हो सो हो। अब पिछला जन्म फिर से तो लाया नहीं जा सकता, जो हो चुका सो हो चुका, किए को अनकिया किया नहीं जा सकता। अब तो ढोना ही होगा, खींचना ही होगा, उदास रहना ही होगा। नहीं, उदास रहने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। मैं तुमसे ये बात कह दूं कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती, पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, पिछले जन्म में भोग ली होगी, परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता, वो ऐसा नहीं कि आज नगद कल उधार। नगद ही नगद है, आज भी नगद और कल भी नगद। आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? पानी पियोगे प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी? इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे
जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम पर आनंद की वर्षा हो जाती, तत्क्षण, देर अबेर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी कि उसके जगत में देर है अंधेर नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा, न देर है न अंधेर है, सब नगद है। तुम जरा फिर से पुनर्विचार करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा जांचो। अब जो आदमी ये मान रहा है कि घर गृहस्थी पाप है, वो घर गृहस्थी में रह के कैसे प्रसन्न हो सकता, कहो मुझे, कहो कैसे प्रसन्न होगा। जो आदमी मानता है कि ये पाप है, कब इससे छुटकारा होगा, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, ये संसार, कब आएगी वो सौभाग्य की घड़ी कि चला जाऊंगा हिमालय की किसी गुफा में और बैठूंगा सब छोड़ छाड़ के संसार का माया मोह। जो आदमी ऐसा मान रहा है, और ऐसे ही आदमी मान रहे हैं इस देश में, तो हर आदमी ऐसा मान रहा है, जो अभी अभी घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बन के जा रहा है, शहनाई बज रही, वो भी ऐसा मान रहा है कि पाप में पड़ रहा हूं। शहनाई अभी फीकी हो गई, फूल अभी कुमला गए, दुल्हन को लेके आया है डोले पर, दुल्हन अभी मर गई, लाश आ रही है घर। अब तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे चित्त के मूल स्रोत ही जैसे विषाक्त कर दिए गए, तुम्हें इतनी गलत बातें सिखाई गई। मेरे पास युवक आ जाते, वो मुझसे पूछते हैं कि शादी करें या ना करें, आप क्या कहते हैं, मां बाप पीछे पड़े, पाप में उलझाना चाहते। उन्हें पता नहीं कि मैं जरा और ढंग का आदमी, वो और साधु सन्यासियों के पास जाके ऐसी बात कहते तो वो बड़े प्रसन्न होते कि बेटा तू बड़ा सात्विक है, तू बड़ा धार्मिक है, मां बाप की बातों में मत पड़ना, ये तो माया मोह में उलझाने की बात है, तेरे भीतर बड़ा बोध जगा है। जब मुझसे कोई ऐसा कहता है कि मुझे पाप में उलझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सोचता हूं कि ये युवक अगर विवाह करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, अगर नहीं विवाह करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, इसकी जिंदगी में उदासी नियति हो जाएगी, नहीं विवाह करेगा तो इसकी प्रकृति बदला लेगी, इसके जीवन की सहज आकांक्षाएं अतृप्त रह जाएंगी, तो चित्त खिन्न रहेगा। दबाएगा वासनाओं को, वे उभर उभर के आएंगी, तो जीवन एक अंत संघर्ष हो जाएगा, एक आत्मिक कलह हो जाएगी। ये 24 घंटे अपने से लड़ेगा, और जो अपने से लड़ रहा है वह प्रसन्न नहीं हो सकता, उसकी ऊर्जा तो लड़ाई में ही छीन हो जाती, उसकी ऊर्जा फूल बनने को बचती ही नहीं, उसके भीतर कभी सहस्त्रार नहीं खिलता, नहीं खिल सकता। और अगर ये विवाह कर लेगा तो अभी से ये कह रहा है कि पाप, तो ये बोझ ढोएगा, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर द्वार, और उदास रहेगा। हमारी जीवन को देखने की पद्धति में कहीं बुनियादी भूल, हमारा गणित गलत है। तुम कहते हो मैं उदास क्यों, तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारा फलसफा, तुम्हारा दर्शन शास्त्र तुम्हें उदास कर रहा है, तुमने जिन धर्मों को पकड़ लिया है वो तुम्हें उदास कर रहे हैं। तुम छुटकारा पाओ इन सारी दृष्टियों से, तुम जीवन को जरा ज्यादा सरलता से जीने की शुरुआत करो, सिद्धांतों और शास्त्रों की आड़ मत लो जीवन को जीने में, जीवन को जियो सरलता से, सहजता से, थोड़े नैसर्गिक, थोड़े प्राकृतिक, और तुम्हारे जीवन में भी उत्फुल्लता आएगी। अगर गुलाब को यह ख्याल आ जाए कि खिलना पाप है, तो फिर फूल खिलेगा तो भी उदास होगा,
नहीं खिलेगा तो गुलाब के प्राणों में पीड़ा होगी कि बिना खिलाऊं। फूल टूटना चाहेगा, कली खुलना चाहेगी और वृक्ष उसे दबाएगा और खुलने ना देगा तो आत्मघाती हो जाएगा। और अगर खुलने दिया, फूल खिला तो उदास खिलेगा फूल, उसमें सुवास नहीं होगी। दुनिया के किसी भी समाज में मेहनत की कोई कीमत नहीं है, सफलता की है, और सफलता को पैसों में तौला जाता है। और ये आप पर है कि आप ज्यादा मेहनत करके उतना ही पैसा कमाएं या फिर कम मेहनत में कमा लें, समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग दूसरों से काफी आगे होते हैं जिनके पास ये दो चीजें होती हैं, सहन शक्ति और समझ शक्ति। जिस व्यक्ति के पास में सहन शक्ति है ना, सहन करने की शक्ति है, धैर्य है, वह व्यक्ति दूसरों से काफी आगे होता है। और जिस व्यक्ति के पास में समझ शक्ति है, जो हर बात को समझने की ताकत रखता है, दिमाग रखता है, वह व्यक्ति भी दूसरों से काफी आगे होता है जीवन में। आप थैंक फॉर वॉचिंग